छत्तीसगढ़ के बुर्कापाल नक्सली हमले में शामिल 14 हार्डकोर नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले भी इसी इलाके से 24 नक्सली गिरफ्तार किए गए थे। वहीं कोंडा गांव में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया है। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का एक जवान घायल हो गया है। जम्मू के रियासी के जंगलों में भीषण आग लग गई है। तेज हवाओं की वजह से आग जंगल में तेजी से फैलती जा रही है। आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन अभी तक इसे काबू नहीं किया जा सका है। जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमलों को देखते हुए अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। 29 जून को शुरू होने वाली इस यात्रा की सुरक्षा में और 5,000 जवानों की तैनाती की जाएगी। अमरनाथ यात्रा में देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इंटर परीक्षा की कॉपियों की जांच पर उठ रहे सवालों पर बीएसआईबी ने सफाई दी है। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि मीडिया में इस बारे में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है वो सही नहीं है। आनंद किशोर ने कहा कि कहीं भी अयोग्य शिक्षकों ने कॉपी जांच नहीं की है। साथ ही आनंद किशोर ने एक बार फिर कहा कि 20 जून के आसपास मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके लिए पूरी गोपनीयता के साथ तैयारी की जा रही है। बिहार के बेगूसराय में चोरी के आरोप में 10 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई है। बच्चे को सिर्फ पीटा ही नहीं गया बल्कि उसे गर्म सलाखों से दागा भी गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में किराए की कोख का मामला सामने आया है। यहां के सीतामढ़ी में बच्चा बेचे जाने की सूचना पर पुलिस टीम ने एक मकान में छापा मारा है। यहां से पुलिस ने 4 महिला समेत एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। इसमें राजधानी रायपुर के एक नर्सिंग होम से जुड़े कर्मचारियों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। महाराष्ट्र के चिपलूड़ में वीकेएल वाला वलकर रूरल मेडिकल कॉलेज में बेतहाशा फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र और अभिभावक 20 जून को मुंबई में आंदोलन करेंगे। इनका आरोप है कि मेडिकल कॉलेज ने अचानक ही फीस 86% बढ़ा दी। इनका कहना है कि इस मामले में शिक्षा मंत्री और फीस रेगुलेशन अथॉरिटी के पास भी गुहार लगाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सरकार ने किसानों से अपील की है कि किसी भी तरह की शंका या शिकायत इस हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करवाएं। इसके अलावा फसल बुआई के लिए बैंकों को फौरन 10,000 रुपए किसानों को मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की उन्हेल मंडी के बाहर प्याज से लदी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। सड़क के किनारे दोनों तरफ करीब 3 किलोमीटर तक प्याज से लदी गाड़ियां ही दिख रही हैं। और इन प्याज लदी गाड़ियों में बैठे किसान पिछले 4-5 दिन से अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि रोजाना सिर्फ 50 ट्रॉली प्याज ही खरीदी जा रही है, जबकि इससे पहले हर दिन 250 गाड़ियां प्याज खरीदी जाती थी। यूपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी महापुरुषों के नाम पर स्कूलों की छुट्टियां नहीं होंगी। गांधी जयंती, अंबेडकर जयंती, गुरु घासीदास जयंती के मौके पर छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले रहेंगे। इस दिन बच्चों को महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसको लेकर जल्द ही सरकार आदेश जारी करेगी।